तुम्हें गवाह चाहिए था ना? मैं गवाह ही नहीं हत्यारा भी ले आया हूं। अंदर कर दो हरामी को। ओके बाय। दूंगा ऐसा सोचा था? नहीं मारूंगा। रेप करूंगा सोचा था? नहीं करूंगा। फिर भी तुम अगर कोर्ट में गवाही देने जाओगी तो ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कहां जाएगी? यहां अंदर जो भी चल रहा है बाहर के सभी लोगों को मालूम है। फिर भी तुझे कोई बचाने आया क्या? नहीं आया। अगर तुम कल कोर्ट गई तो ये सब करूंगा। विश्वनाथ डाउन प्रिया, देखो मैं हूं ना। भाई को फोन कर रही हो ना? क्यों कर रही हो? ताकि वो यहाँ आकर शादी को रोक सके। ये क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे के बिना शादी करवाएंगे? अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो। माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। I'm sorry, Soria. I'm really sorry. जरूरत के समय मैं शहर में नहीं था और कोर्ट भी चार दिनों के लिए बंद थी।
ये सब बातें उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई। एक छोटे से एफआईआर को उन्होंने बढ़ाकर इतने बड़े केस में तब्दील कर दिया। तुम्हारी बेल होने से पहले ही तुम्हारी बहन की शादी एसीपी के साथ हो। What do you mean? वेलकम साले साहब, वेलकम। आप तो बोलकर गए थे ना कि अपनी बहन की शादी अपनी पसंद के लड़के से कराओगे, फिर क्या हुआ? इट्स ओके, मैं अपने आदमी को बोलकर आया था कि आपका खास ख्याल रखें। मीना देखो, तुम्हारे भैया आए हैं, माफ करना, हम सब ने आपको शादी में बहुत मिस किया। फोटोग्राफर, वीडियो वाले, मेरे सभी दोस्त पूछ रहे थे आपके साले साहब कहाँ हैं। अरे बेटा कैसे हो तुम? मुझे तो कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन इस बेचारे की जबरदस्ती शादी करके इसके साथ अन्याय किया है। कौन सा अन्याय किया है? इसकी शादी करवाना अन्याय है क्या? इसका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि इस शादी से कितनी खुश है। पिताजी आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए इसकी खुशियों का गला घोंटकर इसकी शादी करवा के इसे जिंदगी भर रोने के लिए मजबूर कर दिया। सोचता था राजनीतिज्ञ सिर्फ जनता को धोखा देते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो अपने बच्चों को भी धोखा दे सकते हैं। मुझे तो आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आती है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा। ए, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना, फोन दे दो ना, नहीं दूंगा, छोड़ो। तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये फोन कहाँ से मिला तुम्हें? आज सुबह हमें पुराने सामानों के बीच से मिला। मैंने संभाल कर रखा था कि प्रिंसिपल साहब को दे दूंगा, लेकिन ये बच्चे वहाँ से उठा कर ले आए। सर, फोन करने वाले के सेलफोन से लास्ट आउटगोइंग कॉल गंगाधर जी को किया गया था और लास्ट इनकमिंग कॉल भी गंगाधर जी के नंबर से ही आया था। सर, ये मारे गए स्टूडेंट कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सारे सबूतों को ध्यान में रखकर ये समझ में आता है कि इस मामले में बाल गंगाधर जी भी इन्वॉल्व हैं। आगे जैसे सीएम साहब कहेंगे हम वैसा ही स्टेप उठाएंगे। विश्वनाथ बोलो क्या करना है, वो तुम्हारे पिता हैं। सर मुझे अफसोस है कि ये सब मेरे पिता ने करवाया है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सत्ता में होने से वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें माफ नहीं करना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसा करने वालों को अगर सजा न मिले तो मरते दम तक बड़ी बड़ी गलतियां करते रहेंगे, तब जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। छोड़ दो मुझे, चलो। ये तो अन्याय है, किसने कहा है कि एक मिनिस्टर को अरेस्ट करने का है? कांस्टेबल की गिरफ्तारी बहुत महंगी पड़ी, पूरा शहर इस समय आग में जल रहा है, इसीलिए उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सर आपने हेलो, मैं हरिश्चंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। एक मिनट ससुर जी, हरिश्चंद्र प्रसाद। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सीएम मैं ही बनने वाला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सीएम बनने के लिए ऐसा गिरा हुआ काम करोगे। पहले से ही सोच लेते तो इसे पॉलिटिक्स नहीं कहते। राज्य में व्याप्त तनाव को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हरिश्चंद्र प्रसाद ने गवर्नर से अपना इस्तीफा मंजूर करने का आग्रह किया। इस संबंध में राज्यपाल से मिलने सभी लोग राजभवन गए। ये सोचा कुछ और हुआ कुछ और। नमस्कार विश्वनाथ। यहाँ सुनो विश्वनाथ, राज्य के इस हालत की वजह अगर कुछ है तो वो है सिर्फ तुम्हारे पिता। मुझे सीएम की कुर्सी से हटाकर वो खुद सीएम बनना चाहते हैं और इसी लालच की वजह से उन्होंने ये सब किया। तुम्हारे पिता को गिरफ्तार करके क्या हुआ? निर्दोषों की जाने गई और जान माल का नुकसान हुआ। उस जैसे इंसान को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके पास पावर बहुत है, उसके पास 70 MLA का सपोर्ट है, इसीलिए उसे सस्पेंड नहीं कर सकते, इसीलिए गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गई। अब आने वाले चुनाव में तुम्हारे पिता की कुर्सी तुम्हें देने का फैसला किया गया है। देखो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पिता क्या है और अगर वो जीत गए तो क्या हो सकता है। अपने पिता को हराने के लिए तुम्हें जीतना जरूरी है, ठीक से सोचना और फिर जवाब देना। शाम को मिलते हैं, ठीक है? आज इसका फैसला हो ही जाना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। आप ये बताइए मुझे
कि अगर मुझे हटाकर मेरे बेटे को सीट दे दिया तो वो जीत जाएगा। सिटिंग एमएलए से पूछे बिना आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? ए चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्या हमसे पूछकर राज में दंगे किए थे? हाई कमांड ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मंजूर करना तो बात की बात है, पहले ये सोचो कि जनता को लूटने के लिए 5 साल के लिए सरकार बनती है, पर अगर ये 3 साल में डिजॉल्व हो जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? हमने भी ये सारे इलेक्शन कोई फ्री में नहीं जीते हैं, पुलिस के बावजूद जनता को पानी की तरह। हमने भी तो पिलाई, इस बार तो महिलाओं ने भी बड़ी चालाकी दिखाई, उन्होंने भी मांग करी है यहाँ पर। इस बार इलेक्शन में सब देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? जनता आपकी इतनी मजाक उड़ा रही है, इस बार अगर आप वोट मांगने ना गए तो चप्पलों से मारेंगे सब आपको। यहाँ आप लोग एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और वहाँ हमारी अपोजिशन स्ट्रांग होती जा रही है, पूरी मिनिस्ट्री आप पर नाराज हो रही है। सरकार गिराने वाले आप कौन होते हैं? आप दोनों आपस का झगड़ा छोड़कर ये सोचो कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या करना चाहिए। सर, सीएम की कुर्सी के लिए आप दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे पर इतने आरोप लगा रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया जो एक साथ हो गए? क्या आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया है? देखिए, बाल गंगाधर जी मेरे बहुत सालों से मित्र हैं। हमारे मिनिस्टर, इनके अगेंस्ट मेरे पास कुछ कंप्लेंट आई थी और इसीलिए उन्हें अरेस्ट करना पड़ा था। सिचुएशन का फायदा उठाकर ऑपोजिशन वाले हमारे एमएलएस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए गवर्नमेंट डिसॉल्व की जा रही है। हमारी पार्टी के सबसे पुराने नेता आजाद शत्रु और हम लोगों के सबसे चाहते नेता माननीय श्री गंगराजू जी को सीएम बनाया जाता है।